जवाब नहीं कानून पास करो, जवाब नहीं कानून पास करो, पास करो, पास करो, जवाब नहीं कानून पास करो, पास करो, पास करो, जवाब नहीं कानून पास करो, पास करो, पास करो। अगर हटा दिया तभी पुलिस वाले ने हटा दिया, तभी पुलिस वाला जाएगा उससे पैसा लेगा, आपका ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक कानून है कि फुटपाथ पे ये चाय बनाने वाला, रेडी करने वाला, सब्जी बेचने वाला जगह होनी है, तो वहां के पास अपनी जोड़ेंगे। सभी का स्वागत है। हम कानून की कर रहे हैं तो काफी बने हैं, रोजगार कानून भी यहीं से राजसभा से निकले, का अधिकार भी निकले, लेकिन उसके सबसे बड़ी ताकत क्या है, संगठन किसी होती है उसका क्रियान्वयन करवाना है। इसी तरह सरकार ने जो रेडी पटरी वाले हैं, जो फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं, फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सबके 2014 में कानून था, स्ट्रीट कानून के अंदर क्या, उस कानून के अंदर जगह दी जाती है, बैठेंगे उनको आइडेंटिटी दिया जाता, आइडेंटिटी अपना आधार कार्ड होता है, वैसा कार्ड से उसका एक पहचान पत्र होता है, ताकि उसको वहां से हटा नहीं सकते। हर एक शहर एवं निगम नगर टाउन कमेटी बनती है और उसमें जो खर्च है साथी को उसमें छोड़ा जाता है, और वो मिलके हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे पावर जो टाउन वाली कमेटी को, लेकिन अभी रहा है कि जिसको जिम्मेदारी थी तो इनका सर्वे बनाओ, इनको दो तीन जोन बनाओ, तो वो ना बनाते मन वो कमेटी बना के लोगों से ज्यादा क्या करते। मैं पूरे भारत में करता हूँ, उदयपुर में बड़ा संगठन है, जहाँ संगठन है तो उदयपुर का यह बताओ, एक साल से अगस्त साफ सफाई के हॉस्पिटल से कम 50 लोगों को, आज एक सफर हो गया, पांच साल हो गया अभी तक इतने नहीं किया। अब क्या नगर निगम आते हैं, कर्मचारी आते हैं, के साथ मारपीट करते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, और ये हो गया तो उठा के बेच देते हैं। पहले तो ये सब जुर्माना होता था, और आपका सामान आते हैं, सामान का एक मेमो बनता है, ये सामान जब्त किया, और ये तो वो सामने तो गए एक तरफ, अब उनके साथ बात करने लगी। और रिसेंटली अभी जो थोड़े दिन पहले जो एक बहुत पर्यटन सेंटर वहां नगर लोग गए, सारा सामान दिया, गाड़ी से कुछ लोग आग लगा दी और उठा उठा के ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम जगह जगह अभी लड़ रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं, कानून के लिए भी हम लड़ रहे हैं, और इनको जगह मिले तो यहाँ का फिर राजसमंद के अंदर पहले सर्वे हुआ था तो कुछ लोगों को तो मार्केट बना के उसके अंदर बैठा दिया, तो लॉटरी सिस्टम से कुछ लोग तो वहां बैठ गए, अब बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए काफी हमारी बहनें यहाँ आई हैं और वो अपनी किराए की भाई हमें भी इस तरह का काम होता, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। उन्होंने बात रखी किनारे उनकी दुकान लगती, बहुत बुरी भी हुई है कोरोना के बाद।
बेरोजगारी बहुत उनका पूरा चौपट हो गया। अभी भी ये जगह नहीं है, जबकि उन्होंने इसे लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, वो लाइसेंस में चाहिए, उनको कोई परेशान नहीं करिए, लेकिन कानून की पालना नहीं हो पा रही है। इसीलिए चाहते हैं कि जवाबदेह कानून पास हो, तो हम एक नारा लगाएंगे, जवाबदेह कानून पास करो, जवाबदेह।